नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों को हमारी बुंदेली किचन में। दोस्तों, बुंदेली किचन में आज जो रेसिपी है वो हम बनाने जा रहे हैं मट्ठा के आलू। जी आप देख रहे हैं, वे मट्ठा के आलू हैं, आपने बिल्कुल सही सुनी। और मट्ठा के आलू की सबसे खास बात ये है कि ना तो जामे प्याज डलत है और ना ही जामे टमाटर। तो प्याज टमाटर के बिना ही जो सब्जी इतनी टेस्टी लगत है कि आप एक बार को आलू टमाटर खाबो भूल जाओगे और आप मट्ठा के आलू पसंद करोगे। तो मट्ठा के आलू बनाबो भी बहुत आसान है। अगर आप बहुत जल्दबाजी में सब्जी बनाए वाले हैं और अगर आपके पास मट्ठा रखा है, छाँच रखी है, तो आप जी आलू जरूर बनाएं। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, संगे बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिनसे कि हमारे और भी जो रेसिपियाँ हैं बाकी अपडेट आपको मिलते रहें। तो बहुत ही झटपट बनाकर रेडी करेंगे जी आलू। सबसे पहले हमने पैन में कर लो तेल गरम और में हम डाल रहे हैं सौंफ, जीरा और राई। ये तीनों चीज़ें आपको डालने हैं और ये अच्छे से हो जाए तो मसाले, और मसाले में है हल्दी, मिर्ची और धनिया भी रेगुलर वाले हमें मसाले। तो हल्दी, मिर्ची और धनिया और बस मसालों डाल के डायरेक्ट हम डाल रहे हैं हमें पानी अब थोड़ा सा, और संगे अब हम डालेंगे जामे कटी हुई हरी मिर्च। तो जितनी तेज आप पसंद करो तीखी सब्जी उतनी आप डाल दो, हमने एक डाल दी। वही के संगे हम डाल रहे टेस्ट के हिसाब से नमक और जो है हींग। तो हींग जा टाइम पे हम जैसे डाल रहे हैं कि जाको जो जले भी नहीं और बहुत बढ़िया टेस्ट जो है हींग की सौंधी सौंधी में है वो मसाले में भर जाए। और अब हम डाल रहे हैं गरम मसाला और बस हमारा मसालों बनके तैयार है। जो बस इतनी ही चीज़ें हमें अपने मसाले के लिए चाहिए थी। अब अच्छे से पका ले हैं पहले मसाले को। जो आप देख सकते हैं मसालों कितना बढ़िया पक चुका है, ऑयल छोड़ दो है हमें मसाले ने, तो मसालों एकदम तैयार है। अब जो तैयार मसाले में हम डाल रहे हैं ये करी लीव्स, यानी कि नीम की पत्तियां, जो मीठा नीम रहती है वो, और बाकी बाद हम डाल रहे हैं उबले आलू और मिला रहे हैं। अगर मीठी नीम आपको मिल जाए तो आप जरूर डालें, कैसे मट्ठा के आलू में मीठी नीम बहुत ही टेस्ट बढ़ा देती है आपको। और जिन्हें हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर दें आलू उनको, जी हमने कर दिया मिक्स। जो कितने बढ़िया लग रहे और बाकी बात हम डाल रहे हैं हमें पानी। अब आप सोच रहे होंगे कि मट्ठा के आलू बन रहे लेकिन जो तो पानी डल गया, तो पहले थोड़ा सा आधी गिलास पानी डाल के हमें क्या करना है कि जो पानी को उबाल लेवाने जामे एक, तो आधी गिलास पानी डाल के अच्छे से जामे इन्हें उबाल ले लो पहले एक। जो देखो ऐसे उबाल आ गो, अब बस जही टाइम पे आप हमारे पास जो भी मट्ठा या छाँच रखी है, दही भी रखो है तो आप दही से भी पानी डाल के छाँच या मट्ठा बना सकते हो। बस बाकी बात जो हमने गाढ़ो सो मट्ठा बना लो छाँच और बस जो हम जामे डाल रहे हैं सब्जी में, जो आप देख सकते बस मिक्स कर दें। हाँ, इतनी बढ़िया महक आ रही, बहुत बढ़िया बना दें जी मट्ठा के आलू। जो हमने मिला दो है और मिला भी के बस 5 या 6 मिनट के लाने में धीमी आंच पे नेक मट्ठा पकाने, मट्ठा को ज़्यादा पकाने नहीं है, जा वजह से हमने पहले पानी खोला लो तो अच्छे से उबाल लो। तो बस अब हम 5 से 6 मिनट और रखेंगे और अच्छे से उबाल आने दें मध्य आंच में। और जो देखो आप बढ़िया आगो उबाल, सब्जी हमारी रेडी है आप देख सकते हो, बहुत ही टेस्टी जो मट्ठा के आलू लगाते हैं। तो दोस्तों आप मट्ठा के आलू ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको जो मट्ठा के आलू कैसे पसंद आए। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खिलाने टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में। देख भी खिलाने आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करवो ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, संगे बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिनसे हमारी जो और भी रेसिपियाँ हैं बाकी अपडेट आपको मिलते रहे। तो बनाएं जी बढ़िया टेस्टी मट्ठा के आलू और हरी धनिया डाल के बढ़िया इन्जॉय करें। धन्यवाद।